मैं हैदराबाद के सभी शहरियों को अपनी तरफ से तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और ये इतनी खुशी का जो मौका है, हैदराबाद हमेशा हर ईद में बहुत ही खुशी के साथ और एक गंगा जमनी तहजीब की कल्चर के साथ में मिलजुल के जो ईद मनाता है, और इस करंट पोजीशन में भी मेरी ये तीसरी ईद है। हर बार हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ईद मनाते आए हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अल्लाह ताला सबका इम्तिहान लेता है, और ये एक छोटा सा उसको इम्तिहान समझिए कि आपका जो एक मकसद है और आपका जो इरादा है वो कितना पक्का है, ये देखने का एक ये मौका है कि जो कोरोना डिसीज़ है सोसाइटी में, और आप जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैदराबाद शहरियों के और तेलंगाना के सभी सिटीजन्स के और हमारे गवर्नमेंट की वजह से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, तो हम सब का एक ये बहुत फ़र्ज़ बनता है कि इस ईद के मौके पर भी उसी हम एहतियात से और जो गवर्नमेंट ने जो दिए हैं जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं वो सब हमारी बेहतरी के लिए हैं कि हमारा तेलंगाना और हमारा हैदराबाद इसी तरीके से इस डिसीज़ से बचा रहे। तो मैं आप सब लोगों से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि आप मेहरबानी करके ईद बहुत खुशी से मनाइए, लेकिन उसमें सभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, सिर्फ आपके लिए हैं। और मेरा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुरान में जो कहा गया है कि इस रमज़ान के महीने में ये एक जो 30 दिन का रोज़ा होता है वो इंसान को ये ताकत देता है कि वो पहचाने कि क्या क्राइटेरिया है, क्या सही है, क्या गलत है। वो सही और गलत को पहचानने की ताकत अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। तो यही सही और गलत का जो हम लोगों को रोज़ा करने के बाद में जो ताकत मिलती है, उस ताकत का भी यही इस्तेमाल करना है कि इस वक्त के लिहाज से क्या मुनासिब है, क्या नहीं है। और मुझे इससे ज़्यादा आपसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक के जो देखा गया है बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों ने कहा है। और एक बात और कही गई है कि जो भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रोज़ा रख के और ईद के दिन दुआ करता है, उसके पुराने सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हैदराबाद के शहरियों के तो कोई पुराने गुनाह है ही नहीं। मेरे ख्याल से हमारी दुआ बाकी भी जितने अल्लाह के बंदे हैं उनके जो गुनाह हैं उनको ख़त्म करने के काम आएगी। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को तहे दिल से ईद का मुबारकबाद देता हूं और अपील करता हूं कि आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने सभी बच्चों की हेल्थ के लिए और हैदराबाद और हमारे तेलंगाना की हेल्थ के लिए, जो सभी कोरोना के बारे में जो सारी की सारी गाइडलाइंस है, सब जो सावधानियां हैं, जो एहतियातें हैं, वो ज़रूर बरतिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद